क्या फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि जब हम नहाने और पानी में जाते हैं तब हमारे हाथ इस तरह से यानी कि हाथों की उंगलियां इस तरह से सिकुड़ क्यों जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 7 फ्रेंड्स, जिस चीज को नहीं पता उसको मैं बता दूँ कि स्टीव जॉब ने यानी कि एप्पल के मालिक ने सबसे पहले आईफोन इंट्रोड्यूस सबके सामने इंट्रोड्यूस 9 जनवरी 2007 को किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब ने पहली बार अपना आईफोन को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी कैलिफोर्निया में। ध्यान से सुनना मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस के बारे में बता रहा हूँ। शायद से इसी वजह से आईफोन के सभी फ़ोन में डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा हुआ आ रहा होगा। फैक्ट नंबर 6, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक फैक्ट बता दूं कि जो पिरामिड है उसका जो बेस होता है ना, यानी कि नीचे का हिस्सा, वो परफेक्टली स्क्वेयर यानी कि चौरस है। जी हाँ फ्रेंड्स, परफेक्टली स्क्वेयर है। ये फैक्ट कोई आम फैक्ट नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार सोच के देखो कि उस समय पर इतना मेजरमेंट्स कहाँ से आया होगा कि वो परफेक्ट स्क्वेयर बना उसके बेस से ही। सोच के देखना फ्रेंड्स एक बार। फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने सोचा कि ये फैक्ट आप लोगों को बता दूँ। फैक्ट नंबर 5 फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तब, कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो ऑक्टोपस होता है उसमें 3 हर्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑक्टोपस के बारे में एक और फैक्ट बताता हूँ कि जो ऑक्टोपस होता है उसमें 9 ब्रेन्स होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 हर्ट्स और 9 ब्रेन्स होते हैं, यानी कि दिमाग, 9 दिमाग होते हैं ऑक्टोपस को। और फ्रेंड्स, जो कोई भी लोग मेरे इस वीडियो पर नए हैं उसको मैं बता दूं कि अगर आपको मेरी पिछली वाली वीडियो देखनी हो तो मैं आई बटन में उस वाली वीडियो की लिंक दे दूंगा, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे वो वाली यानी कि पिछले वाली वीडियो की लिंक दे दी है। तो वहाँ पर क्लिक करके मेरी पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर विजिट करके मेरे और वीडियो भी यानी कि और वीडियोस भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4 फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि हम अपनी आईज ब्लिंक करते हैं बार बार। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी ये सोच के देखा है कि हमारी जो आईज होती है वो 1 मिनट में कितनी बार ब्लिंक करती है? अगर नहीं सोचा तो आपका भाई बैठा है अभी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारी आईज 1 मिनट में 15 से 20 बार ब्लिंक करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 से 20 बार यानी कि 15 to 20 times। फैक्ट नंबर 3 फ्रेंड्स, आप लोग इस रोबोट यानी कि सोफिया रोबोट को तो जानते ही होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप अपने स्क्रीन पर अभी जो ये देख रहे हो ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, और इसका नाम है सोफिया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक सोफिया के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, यानी कि अमेजिंग एक ही फैक्ट बताने वाला हूँ। तो इस फैक्ट को तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, फैक्ट ये है कि जो ये सोफिया रोबोट है उसको सऊदी अरबिया में नागरिकता मिली है। जी हाँ फ्रेंड्स, नागरिकता नहीं होती जैसे हम ह्यूमंस को मिलती है, यानी कि सोफिया रोबोट सऊदी अरबिया में हम ह्यूमंस की तरह ही रह सकती है। उसे एक नागरिकता मिली है कि वो वहाँ की नागरिक है, सऊदी अरबिया की। रोबोट को नागरिकता मिली है फ्रेंड्स, ये तो शॉक कर देने वाला फैक्ट है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर मेरे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप वीडियो को पूरा देख सके। और हाँ फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम आईडी की यूजर नेम भी देख सकते हो, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, तो वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो आप। फैक्ट नंबर 2 क्या फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि जो क्यूबा और नॉर्थ कोरिया देश यानी कि कंट्रीज है, वहाँ पर कोका कोला बिका और खरीदा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। वहाँ पर कोका कोला बैंड यानी कि प्रतिबंध है। क्या कंट्रीज है? फैक्ट नंबर 1 फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी कि जब हम पानी में जाते हैं तब हमारे हाथों की उंगलियां इस तरह से सिकुड़ जाती है। तो वो क्यों होता है, इस फैक्ट में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, साइंटिस्टों के अनुसार ये इसलिए होता है कि जो हमारी पानी में पकड़ होती है वो इस तरह से टाइट रहती है, यानी कि हम कोई भी चीज़ पानी में छोड़ नहीं सकते।
वो हमारे हाथों में यानी कि पकड़ में आ जाएगी। यानी कि पानी में हमारे हाथ से कोई भी चीज़ इस तरह से फिसक के चली नहीं जाएगी, हम उसे टाइटली पकड़ सकते हैं जैसा हम पानी के बाहर पकड़ सकते हैं उसी तरह से, उस ग्रिप यानी कि सिकुड़ने से कारण। तो फ्रेंड्स यही था पानी में हाथों की उंगलियां सिकुड़ने का कारण। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करके जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स आप लोग कट।